टाइप लगा बट यस इट वाज नाइस वन टाइम यस यू कैन वॉच 3 out of 5 नाइस मूवी ऑसम सॉरी इट्स ओके फाइन ये लास्ट दिस मला वाला नहीं ना 4 पैसा वसूल मूवी गुड सस्पेंस आमिर खान द बेस्ट अच्छा फिल्म में आपको क्या अच्छा लगा आमिर खान वन मैन शो या ऑफ कोर्स फोर स्टार या बहुत अच्छी मूवी है एटलीस्ट सब लोग को दो बार देखनी चाहिए मूवी एकदम आमिर खान की बहुत अच्छी एक्टिंग है और कटरीना कैफ की भी अच्छी एक्टिंग है और अभिषेक बच्चन ने भी काफ़ी अच्छा किया है पर आमिर खान का बेस्ट लगा स्टंट्स बहुत अच्छे हैं एकदम नया है कभी देखा नहीं था थिएटर में मूवी में कभी पहले हाँ मूवी में काफ़ी स्टंट्स है और एकदम उसका जो मेन स्टोरी है बहुत अच्छा स्टोरी है और काफ़ी टचिंग मूवी है हाँ अभी भी वैसा ही है बहुत अच्छा है एवरग्रीन है वन टाइम वॉच है अच्छा आमिर खान का क्या नहीं अच्छा एक्टिंग अच्छा है आमिर खान का जैसे इस फिल्म का स्टंट कैसे लगा स्टंट्स अच्छा था पर स्टोरी इतना अच्छा नहीं लगा मुझे ठीक था फिर भी स्टोरी में क्या ऐसा लगा आपको कुछ मतलब ओवर लग रहा था थोड़ा ज्यादा लग रहा था मतलब चोरी दिखाया नहीं है डायरेक्टली दिखाया कि चोरी हो गया चोरी कैसे कर रहे हो सब दिखाया नहीं है जबकि पिछले के धूम में सब में चोरी दिखाया था कि चोरी कैसे किया है वैसे से ठीक था मतलब आमिर खान के वैसे ही चल रहा है ना आमिर खान ने सोच के आया था हाँ आमिर खान का समझ आया पर मेरे को चोरी देखना था एक्चुअली चोरी करते कैसे बस चोरी तो दिखाया नहीं है पिक्चर में वो थोड़ा बहुत अच्छी लगी बस वही है आमिर खान है और कोई नहीं दिख रहा कोई नहीं दिख रहा बाइक्स भी फेल है गुड फिल्म टाइम पास आमिर आमिर यस अभिषेक बच्चन नो आमिर कटरीना इज गुड इन डांसेस दैट्स ऑल अभिषेक बच्चन का आपको नजर आमिर ओनली फॉर आमिर यस अच्छी लगी awesome हां बट आमिर ही इज वर्क वेरी वेल अच्छी मूवी आमिर खान के लिए क्या कहेंगे हमेशा की तरह ही इज द परफेक्शनिस्ट पहले पार्ट से काफी अच्छी है पहले से काफ़ी अच्छी है सेकंड से भी अच्छी है मूवी बट इस मूवी में अभिषेक और उदय चोपड़ा काफ़ी डाउन लगे परफॉर्मेंस वाइज भी करेक्टर वाइज भी कुछ खास नहीं था उनके लिए मतलब जो था वो भी उन्होंने नहीं किया बट आमिर खान और कैटरीना कैफ सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं स्टंट्स अच्छे हैं और फिलॉसफी है फिल्म में जो पहली फिल्मों में नहीं थी इसमें है कमल हसन का भी कहीं कुछ नहीं है वो सब बकवास है सुपरस्टार वेरी वेरी नाइस मूवी आमिर खान इज द बेस्ट एक्टर एवर वेरी नाइस आउटस्टैंडिंग इज इट बेटर देन द लास्ट टू पार्ट्स बेटर फार बेटर देन बोथ आमिर खान बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने मैं 5 में से 5 दूंगा आमिर खान इज तो आउट ऑफ कंट्रोल मींस इन दिस जस्ट पहली जो दो पार्ट आए उससे बेटर है ये या कहीं नहीं बहुत अच्छा है बहुत बेहतर है बहुत उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है ओवरऑल दिस इज वेरी नाइस मूवी ऑफ कोर्स 5 एक्सीलेंट मूवी एकदम अच्छा लगा हां बट आमिर का एकदम फर्स्ट क्लास यू लुक सच है फिल्म इट वाज कंप्लीटली ऑसम 5 out of 5 आमिर वाज सुपर्ब इन हिज जॉब इन हिज negative role first time which I was feeling maybe he's not right casting but he made me wrong when I watched that movie Amir he has done amazing job I was watching his 2 years journey of his hard work it was so superb it was so awesome he's really a perfectionist let me tell this and the Doom sequel part 3 which one is the better one you feel this is the better one It was an international performance. It was not something which was Bollywood masala. It was an international performance. It is an international movie, definitely. How was the film? बहुत अच्छी मूवी है. मतलब जितनी 5 star दूंगी इस मूवी को जितनी भी मतलब देखने मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है और मुझे इतनी अच्छी मूवी लगी है कि उसको बहुत दिनों के बाद काफ़ी अच्छी धूम 1 धूम 2 से बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है बच्चों में एक क्रेज रहा है धूम का हमेशा से तो कैसा रहा इनके लिए बेस्ट
बट मतलब एक तो इस मूवी से नजरें नहीं हट पा रही थी। काफी मूवी ऐसी होती है जिसमें कि देखने के बाद लगता है कि कुछ कहीं पर छूट रही है, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद ऐसा लगता था कि बस देखते जाओ, खत्म होने का मतलब दिल नहीं कर रहा था कि खत्म हो। तो सबसे अच्छे क्या लगा, व्हाट द बेस्ट थिंग यू लाइक इस मूवी? आमिर खान की एक्टिंग और बाइक रेसिंग और उसके जो ट्रिक्स थे वो सब बहुत ही जबरदस्त। 5 में से कितना बार देना चाहेंगे आप? 5।